कल ऐसे ही रोड मैप सबको बांटने वाले हो? हाँ, मेरे को जिम जाम बहुत पसंद है। मुझे डाइडा के लिए हम रिश्ता अकेले बना रहा हूँ ना, बुबू भी तक आई तो मेरे डर भी लगता है। मेरी है वो जितनी भी आज कल के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। सो आज मैं व्लॉग दिन में स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ना मेरे गुगु ने ना न्यू डिश इन्वेंट की है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, आप हंसना, अपने हंसी रोक देना, ठीक है? इसने मतलब क्या किया, ये देख रहे हो आप, ये पुलाव था सुबह, इसने तक खतरनाक बनाया, पहले तो किसी ने नहीं खाया, ठीक है? ओए उठ तो। तो इसने बोला आज हम चावल के बदले खाएंगे पुलाव। तो पुलाव में अच्छा पोहा, हाँ तो पोहा के साथ इसने इन्वेंट किया है हमारी ये दाल, और ये है मशहूर शेफ। तो आज की शेफ का नाम है दीपिका चौधरी, मेड पोहा प्लस दाल इक्वल्स टू प्याज इक्वल्स टू नींबू। अब हम दोनों खाएंगे ना। दोस्तों कैसा हो रहा है? बेकार। एक गफ्फा खाता हूँ फिर रिएक्शन देखते हैं कैसा रहता है मेरा। बहुत टेस्टी है गाइस, मैंने बहुत ट्राई किया था, टेस्टी नहीं बना, मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ यार ये अपनी बहुत कोशिश करती है पर कोई नहीं, अच्छा हो रहा है, मैं खा लूंगा। मैं अभी अपने ड्यूटी के लिए जाएगा ना तो बारह मुझे बोली मैं ऐसे ठीक, बारह मुझे पूछ रही मैं ऐसे ठीक लगा। आरती सुमन दीदी ने मुझे पहले 10 रुपए का नोट पकड़वा दिया। देखो जो लेना तो वो ले लेना की, ये देखो आई बाय दिस क्यूरीज। गाइस देखो मैं कितना सैड लग रहा हूँ, मुझे आज फिर बुला दिया गया है यहाँ पे। आर्टियंस आपको पता है क्या, क्रिसमस में हमेशा हम छोटे थे ना, जब हमेशा सोचते थे सेंटा भी गिफ्ट लाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो क्यों ना मैंने एक प्लान किया है, मैं ही सेंटा बनूंगा। तो मैं आज उनके लिए ना, मतलब जो होते छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, प्यारे प्यारे प्यारे, उनको ना गिफ्ट दूंगा छुप छुप के, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो उनके लिए यही होगा ना, मतलब दिमाग में कि मतलब मैं समझा नहीं चाह रहा हूँ। पहले आपको ड्रेस और गिफ्ट लेने जाना पड़ेगा, तब कल फिर सुबह सुबह। हाँ जो भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और बाय द वे मैं ये ब्लॉग कल डालूंगा, तो इन एडवांस मैरी क्रिसमस। आप भी छोटे में मेरे तरह सोचते थे क्या कि क्रिसमस सेंटा गिफ्ट रखे जाएगा? मैं तो बहुत ज़्यादा सोचता था पता है। तो आज मैंने ना थोड़ा क्यूट सा ड्रेसअप रखा है, देखना पहले पकड़ पकड़ पकड़। काफ़ी क्यूट ड्रेसअप है आपका। चलो फिर चलते चलते। कहाँ जा रहे हैं? हम मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मेरे को सेंटा क्लॉज जैसे सोचते थे ना, मैं ये देगा वो देगा, मतलब तो मुझे उस हिसाब से चॉकलेट चिप्स केक्स वगैरह हाँ, बच्चों को दे सकते हो ना, क्यूट क्यूट सबको यार, बुड्ढे अंकल दादाजी पापा मम्मी सबको दूंगा, सब मेरे लिए। कल बच्चे होंगे ना तो कल ऐसे ही रोड मैप सबको बांटने वाले हो? हाँ सेंटा बनके। अरे पहले नहीं खोलना था ना, पहले नहीं बताना था, किसी को भी दे दोगे? चलो देखते हैं गाइस। ओके इतना कॉन्फिडेंस है कि भी नहीं, कल ही पता चलेगा। फिलहाल गिफ्ट पैसे तो खर्च हो ही जाते हैं, वो कर लेते हैं। आरतीस डाइडा मुझे पता नहीं कहाँ लेके आए हैं ना। आरतीस मैं पूछूं, देखो ये और मैं गुच्छा हूँ, मैं डाइडा थे, डाइडा मुझे यहाँ लेके आए, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। जानबूझ के डाइडा को ना ये वाला लाने के लिए बोला, क्योंकि मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें बैठूंगा ना। चलो चलो चलो। ओह आरटीएन में बहुत एक्साइटेड था कल के लिए। अब देखो कैसी कैसी चीजें मेरे को मिलती हैं, एंड देखते हैं कल की कल है, कल कैसा होगा। बहुत पहली बार कर रहा हूँ ना गाइस, इन्हें फिर बाय वन गेट टू फ्री मिली है और ये उसके पीछे लग गए हैं हमेशा की तरह। नहीं मेरे पास ये बहुत सारे हैं, नहीं लेता हूँ, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। दाइडा अपने के लिए ये ले रहे, चलो एक ले लो, मैं ना आपको ये गिफ्ट दे दूंगा क्रिसमस में, ठीक है?
निकालो आपको गिफ्ट नहीं चाहिए, आपको तो सबसे ज्यादा चाहिए होते गिफ्ट। एक नंबर से पिटू है, सबसे ज्यादा गिफ्ट देते हैं और शर्म भी नहीं आ रही बोली मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए। ये कोई लॉजिक की बात है? तो आज मैं लूंगा बिस्किट्स ले लेता हूँ, ये ओरियो पसंद होते हैं ना बच्चों को। सो आर्टिस्ट बचपन में ना मेरे को जिम जाम बहुत पसंद है और मुझे लगता है और बच्चों को भी काफी पसंद आएंगे, तो ये छोटे छोटे ले लेता हूँ। और ये कुछ वाले हैं, ये लेते रहिए मैं देखता हूँ। बचपन में बड़ा जिम जाम खाया करते थे, आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपका फेवरेट कौन सा वाला है बताओ। हाय कैसे हैं आप? हाय टू माय व्लॉग्स, बाय। ये मेरे को क्यूटी पाइज मिली तो मैंने बोला से हाय टू माय व्लॉग्स। सबसे मस्त चीज तो मुझे ये अब मिली है, ये खट्टी क्यों? नहीं नहीं अच्छी है, मैं तो खा नहीं। क्यों? बचपन की यादें ताजा हो गई इमली। तो बचपन बहुत खाता था, अच्छा लगेगा सबको। ओ वाह, हाँ ये देखो ना ये। वाह सच बताओ आपका भी फेवरेट होगा ना ये सब चीज़ें। तो ऐसी मेरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे को जितना 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 मिला मैंने सब लिया। तो मेरे को मिली मेरी प्यारी सी आर्टियन, शी वॉज वेरी क्यूट। अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं ना बच्चों को सोच रहा था छोटे छोटे उनके पेन वेन, तो डायडा क्या बोलते बोलो? पढ़ाई से वैसे ही परेशान रहते हैं बच्चे, ऊपर से पेन जरूरी थोड़ी ना। मैं तो बताऊँ क्या करता हूँ, उछाट करता हूँ पेनों से। आई नो मैं बड़ा हो गया लेकिन मैं फिर भी ना जॉनसन्स के प्रोडक्ट ना यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरे मुंह पे काफ़ी अच्छा मतलब सूट हो जाता है। तो मतलब मुझे गर्ल्स को ये बोलना है अगर आपका स्किन ज़्यादा ड्राई है तो एक बार ही बस ट्राई कर लेना, ये आपके क्या पता मैच हो जाए क्योंकि मेरा बहुत ड्राई स्किन है तो ये मेरे फेस पर काफ़ी अच्छा मतलब डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा है, अच्छा लग रहा है आरती के लिए। हाँ आरती मैं खुद खुद के लिए खुद ही लूंगा, ऐसा ही होता है, मैंने गिफ्ट नहीं देते कभी। हाँ आरती इसको देखो इस बच्चे को, कितना क्यूट है, कहाँ चढ़ा हुआ है देख। तो आरती आज आरती को बहुत सारा काम होने वाला है, आपकी आरती को बताऊँ कैसे? क्योंकि मुझे अभी लेना है गिफ्ट रैपर्स ये सब रैप करना है सिंगल सिंगल पीस। हाँ, और चोको पाई वेफल से नहीं। अब मेरे को घर जाके बर्तन भी तो धोना है क्योंकि गुगु लेट आएगी ना, फिर आटा भी गूंथना है, बहुत काम है। चलो शुरू हो जाओ। जो आगे मेरा ना डिश फ्लॉप हो गया, मुझे इसमें बैठना था, मैं गिर गया, बहुत जोर से गिर गया। फ्लॉप हो गया, चलो एक काम करिए। तो आर्टिंस कोई नहीं, मैं हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, मैं इसमें बैठूंगा, इसमें बैठा हूँ। इसमें बैठ जाऊँ? शॉपिंग शॉपिंग, पकोड़ा ले लो, चिप्स ले लो, सब कुछ ले लो, सब ले लो आर्टिंस सब। ये देखो मेरी मेरी आर्टिंस पीछे की ना मत आराम से। ओके चलो गो। तो आज मेरे को उतरने का बिल्कुल मन नहीं, पहले रुको पहले मुझे थोड़ा डाउन करो। अरे नहीं 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 रुको, इसको दी थोड़ा पकड़ो तो। फोन पकड़ना है क्या आपको? पकड़ना है। ओके थैंक यू, वेलकम। हाँ वो आए मेरे लगी है। बाय बाय। तो यार जिस मैंने अभी लिया मुझको अच्छा लगता है। इसकी बिलिंग हो गई ना? हाँ पक्का। हाँ टू टू टाटा ना हो? नहीं होगा, बिलिंग हो गई। ये है सारा सामान।
ले और ये सब गिफ्ट है, मजा आने वाला है। अंकल आंटी सबको लड़कों सबको पकड़ के देंगे। जब मेरे नीचे जाते हैं ना तो मुझे दुख होती है, पर कोई बात नहीं, इनसे खुशी भी तो मिलती है थोड़ा थोड़ा। यू कल तो मजा आएगा, देखते हैं कैसा कैसा रहता है। आई एम वेरी एक्साइटेड कल के लिए। अभी रुको, बात बात करता हूँ। इन तो मैं क्रिसमस का ड्रेस कितने का है? छोटा साइज है, साइज का तो होगा। नहीं नहीं, मेरे को ढीला ढीला चाहिए, एकदम थोड़ा मोटा। ये तो छोटे बच्चे का है। नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। दिखाओ, मैं पैसे लगाओ। छोटा हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पे हम बाय बाय करेगा टू दिस प्लेस। वाओ, ये कितना सुंदर है। मेरी क्रिसमस ईव। सो ऑडियंस, मैं यहाँ पे मस्ती कर रहा, मुझे यहाँ से आंटी उंटी जाते हुए से दूर दद्दू ना अपने नाती को ले जा रहे थे, मुझे अपने दादा की याद आ गई। मेरे दादू भी ना, मैं ना जब हम बहुत बीमार हुए थे ना तो गुग्गू को ना गुग्गू में ले गए थे पूरा नीचे तक, क्योंकि गांव में डॉक्टर्स नहीं होते थे ना उस टाइम पे। मेरा भी ऐसा ही हुआ था सच में। तो तब से ना हमें ना छोटी छोटी चीजें ना बहुत मिस करते हैं दादू की। कोई दादू, आई मिस यू। लगा देख रहे पेटू भैया। मेरे डैडा इतने पेटू है ना, मैं क्या ही बताऊं। यहाँ देखो, ओ डैडा को देखो। अरे वाह वाह वाह, यहाँ देखो, ये तो मैं करूंगा मेरी अर्जेंट के लिए। तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें कोई जरूरत है? अरे आपकी अर्जेंट मेरी अर्जेंट मेरी है। वो जितनी भी 24 से ऊपर की लड़कियां हो सब मुझे फॉलो कर। मेरी अर्जेंट आपकी अर्जेंट मेरी अर्जेंट जितनी भी 24 साल से ऊपर की लड़कियां हैं, रिश्ते के लिए लड़का तैयार है। डाइडा के लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी नजरों में कोई लड़की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत ज्यादा भुक्कड़ है, पहली बात राजपूत हूँ। और ये राजपूत हैं, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब बता दो। बड़ा गुस्सा ज्यादा आता है मैडम, जो भी है तो इस हिसाब से ठीक है। तो आर्थियंस, ये है हमारा खाना, ये है हमारा भैंस जो कि सब खा जाएगा, और ये मैं। ध्यान देख एक बार जीरम। नहीं, अब सच बताना कमेंट में, भैंस जैसा कौन लगता है, ये या मैं? ये लगता है ना। अभी मेरा सिर्फ एक ही खाया था मैंने, डाइडा ने पूरे तीन गायब कर दिए। मुझे ना पता ही नहीं चला यार कब खा रहा हूं करके, इतना भूखा था मैं। आज सब सीधे घर जाता हूं, आज घर में बहुत काम भी है। आरटीएस और मुझे बहुत काम होगा, तो चलो आप हमेशा की तरह मेरे साथ बने रहो। आ जाओ। ये छाले बनेंगे गिफ्ट। मैजिक टीचर। बाय डैडा। डैडा सारा काम मेरे को ही करना पड़ेगा अकेले। लड़कियों का काम है रैपर। लड़के वाले काम क्या होता है? टेप नहीं होगा, दीदी से ले लेना। शिट यार। आर्टियंस फटाफट, मैं इसको बाद में पैक करूंगा सब कुछ, पहले मेरे को फटाफट बता क्या करना है। ए प्रभु, ये फटाफट बर्तन धोता हूँ, उसके बाद और काम किए जाएंगे फटाफट। तो लेट्स गेट इनटू। ओके आर्टियंस, फाइनली मैंने बर्तन धुल दिए हैं। अब मेन बारी जो है हमारी, हमें साथ में काम करना है, मुझे गिफ्ट पैक करने। जैसे कि आपको बताया, बहुत सारी गिफ्ट लिए छोटे छोटे क्रिसमस के लिए। तो चलो, तुम क्या देख रहे हो, तुम भी चलो मेरे साथ। सीजर, चलो चलो काम करते बनते हैं। ऐसी करते 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 बना एक छोटू सा। ओफो आर्टियंस, मैं ये अकेले बना रहा हूँ ना, गुगू भी तक आई नहीं, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा अकेले बनाने में। लेकिन कोई बात, चलो मैं बनाता हूँ फिर। अब सिर्फ इतने ही बने।
अबे यार आर्टियन शीट लाइट चलेगी, मैंने तो अभी तक मुझको तो कह रहे डर भी लगता है। ओम नमः शिवाय। बस बिना मुंगार इतने सारे पैक गिफ्ट करना है आपको, दिखा दे रहा हूँ मैं। हाई लाइट चले गई हमारी, थैंक गॉड लाइट आ गई, अब मैं काम पे लगता हूँ। अब नहीं जा रही है, मुझको डर लगता है। और क्या यार, दोबारा काम पे लग गया। ओहो आगे बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। आपके साथ ऐसा हुआ, मैं भी गिफ्ट रैप कर रहा था ना, जैसे कुछ बातें होती है कभी आपको कोई बेवजह सुना देता है तो आप बाद में वो चीजें सोचते रहते हो, तो अभी मैं ऐसे गिफ्ट रैप कर रहा था ना, तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा मुझे क्या क्या बातें याद आ रही थी, लेकिन हाँ मतलब जैसे कोई मुझे अनसन बोलता है ना बेवजह, तो मुझको वही बातें ना बार बार याद आ रही थी, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला कब कैसे। हालांकि कोई मतलब ही नहीं बनता है सीखने का, लेकिन जब तुम तो ऐसे होते नहीं हो तो अक्सर अक्सर ये चीज़ होती है, मतलब हम सोचते हैं यार जब हम ऐसे नहीं होते तो उन्होंने हमें ऐसा क्यों बोला ऐसा क्या, लेकिन ये काम मैंने फिर एक चीज़ सोची, ऐसे लोगों के बारे में सोचना फालतू है, तो उनको अपने दिमाग से जैसे हम कूड़े को ऐसे फेंकते हैं ना लाइक दिस, तो उनको अपने दिमाग से ऐसे ही फेंक दो। तो आई ट्राई नहीं हो रहा है, लेकिन आई विल ट्राई। ओके आर्टियंस फाइनली हो गया, बस एक लास्ट है वो बड़ा सा है, उसको पैक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो भी होगा जैसे भी होगा। मेरे को एक घंटा होगा, मुझे पता ही नहीं चला भाई साहब। वाह आर्टियंस, कल के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट मैं पैक कर रहा हूँ, अब जब सब बन जाएंगे फिर मैं आपको बता दूं। ओह आर्टियंस क्या किस्मत है, लास्ट था और लास्ट में ही मेरा रील खत्म हो गया। वाह वाह आई लव्ड इट। सो फाइनली आई हैव डन ऑल द गिफ्ट्स, इट्स नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया मैंने। ओके वाह 1 2 3 सो आर्टियंस मेरे सारे इसमें पैक कर दिए, मैं आपको क्यों दिखाऊं, अभी दिखाता हूं। रुको गुगू बांध दो, पहले मुझे चक्कर बद्दर साफ करने दो। पूरी कटर पटरी चेदरी खराब हो गई है यार, अब पहले इसको साफ करूंगा फिर दिखाता हूँ, रुको आपको। बाप रे अब आ रही है गुगु चटनी, रात को मैंने तो अभी आते आते कई चीज दिखाता हूँ। कुछ नहीं बनाया मैंने, गिफ्ट पैक किए बहुत सारे। रात गुगु का खाना खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, वो ये खा गई। सो ये सारे गिफ्ट मैंने पैक किए थे, इस सारे गिफ्ट डालना, देख मैंने कैसे पैक किया। आर्टियंस आप भी देख लो। तो आर्टियंस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। आप मेरा चैनल कुरफा देख के तो जाओ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और खूब सारा प्यार देना, देखते हैं कल कैसी कैसी मस्ती होती है। बाय बाय, गुड नाइट। अब हम सोएंगे या खाना टिफिन मंगाना है? हाँ टिफिन मंगाते हैं, अच्छा होता है ना, कहीं टिफिन अच्छा नहीं हुआ नहीं मंगाना। चलो आर्टियंस, चलो आर्टियंस कल मिलते हैं, देखते हैं कल क्या होएगा, एक्साइटेड।